नाश्ते में यार पराठे अंडे और चाय, तो खाना खा के मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय जो। सो गाइस यार, पिछले व्लॉग्स में देखा होना है, मैंने करवाया था ये वाला रूम रेडी, चेक करे थोड़ा बहुत ही, लेकिन ना मुझे इतना समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा एक ये भी रूम रखते हैं और एक और अलग रूम बनवाते हैं, गेमिंग रूम। गेमिंग रूम यानी कि पैसे तो बहुत लगने हैं, लेकिन ट्राई वगैरह करते हैं उसमें। मेरा शौक है कि यार मैं गेमिंग रूम बनवाऊं, तो इसलिए ना मैंने कहा यार ये भी रूम है मेरे पास, एक ऊपर एक्स्ट्रा रूम है, तो उसको भी तैयार करते हैं गेमिंग रूम टाइप बनाने की, उसको कोशिश करते हैं। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई चीजें नहीं है, ना टेबल है ना कुछ है, लैपटॉप तो है रखने के लिए, उधर नियॉन लाइट्स वगैरह लगेंगी और बहुत कुछ लगना है। ये वाला रूम मैं इसलिए नहीं तैयार करवा रहा कि यार यहाँ फ्रेंड्स वगैरह आके बैठते हैं हर कोई, वहाँ पे कोई भी नहीं आया करेगा, वहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ, मैं और हमजा भाई वहाँ पे सोया करेंगे। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। चलो 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 चलो, ये चक्कर है। ओह माय गॉड, ये हमने पिछले व्लॉग्स वगैरह में देखा ही होना है, लेकिन मैंने कहा फिर भी आपको एक दफा फिर दिखा दूं। ये चेक करें, बेड वगैरह भी पड़ा हुआ है, यहाँ शीशा वगैरह लगवा लेंगे, यहाँ ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है और गुड्डे वगैरह सारे उठा देंगे, और ये फ्रीजर भी पड़ा है, ये भी आज ना उठा देते हैं। ये सामान वगैरह जब उठ जाएगा तो यहाँ पे ला के रखेंगे टेबल। और ये चेक करें पूरा इसको, मैंने गेमिंग या रूम जो मैंने सोचा ना, ये देखे ऐसा मैं सोच रहा हूँ कैसा बन जाए। अरे देवा, और ये चेक करें यार, यहाँ पे आई हुई है सील, जो है ना सात वाला घर, वहां से कोई पानी वगैरह लीक होता तो यहाँ पे आ जाता है, ये देखें इसकी वजह से सील आई हुई है, और ये पानी वगैरह भी मेरे ख्याल है कभी कभी खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे एक मेरे पास ट्रिक है, इसका भी हल है मेरे पास, इसका हल भी आपको दिखाता हूँ। ये देखे सील के लिए हम ले गए थे प्लास्टिक पैरस, व्हाइट सीमेंट और यार ग्लू थी, इनको मिक्स करके ना तो वहाँ पे ब्लीड वगैरह हो सकता है, तो ये करते हैं आज। चलो फिर उसके लिए चाहिए था एक दाबड़ा और ये छोटी सी कई। ये क्या बात करता है यार, जिससे हम मिक्स करके ना इसको फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं साफ कर रहा हूँ इसे। सो गाइस यार ये चेक करें, मैंने कितनी मेहनत करके सिर्फ मार के इसको साफ कर दिया, क्योंकि ये कालक वगैरह लगी है ना, मैं कह ये लगे ना फिर भी अगर लग गई तो कोई बात नहीं, ऊपर पेंट ही करना। तो फिलहाल अभी यार ये सामान उठाते हैं, सामान उठा के नीचे रखते हैं इसको, किसी ने यार हेल्प तो करनी नहीं है, मुझे खुद ही उठाना पड़ना है, ऐसा ऐसा करके एक एक करके नीचे छोड़ के आता हूँ। थके गए हूँ यार, बस हवा निकल गई। सारा सामान तो रख दिया, बस ये रह गया, इसको भी उठा के फिर नीचे रखें। बाकी ये फ्रीजर, यार फ्रीजर अब नीचे आना नहीं है, स्टोर रूम छोटा पड़ गया, तो देखते हैं इसका भी क्या करना है, इसको नहीं तो ऊपर ले जाएंगे। यार सो गई, ये चेक करें कैसा खाली हो गया, यहाँ पे हमने रखना टेबल। आपको बड़ी बात तो ये बतानी थी, साथ अटैच वॉशरूम भी है, लेकिन ये गंदा अभी, इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल इसे बंद ही रहना। चल, और ये गुड्डे छत पे पहुंचाते हैं। सो गाइस यार ये देखे ये सामान रह गया, और ये देखे पीढ़ी कंप्रेसर वगैरह, और ये मुड़े वगैरह ये भी उठा के ना पीछे करते हैं, और ये देखे इसकी हालत, यहाँ पे लगाते हैं हम जी प्लास्टिक टेरेस। ओह माय गॉड, बिफोर आप चेक करें इसको भी इंशाल्लाह, जैसे मैंने नीचे वाले रूम को किया था थोड़ा बहुत, वैसे ही मैंने कहा इसको भी यार, वो भी अपने पास ही है, तो मैं कहा इस एक और भाई रूम होना चाहिए अपना गेमिंग, जहाँ पे गेम वगैरह हम खेल सकें और लैपटॉप वगैरह एडिटिंग वगैरह कर सकूं मैं, तो मैं कहा यार स्टूडियो टाइप अपना छोटा सा बनाते हैं। बड़ी गर्मी लग रही है, फाइनली चेक करें यार, सारी मैंने सफाई कर दी यहाँ के भी, ये देखें इस सील आके ना, सील से भाई ये होता है कि जो पानी होता है ना वो दीवार के साथ लग के ना पेंट खराब कर देता है, इसको नहीं पता, मैं उसको बता रहा हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना काम, यहाँ पे बस यहाँ यहाँ भी करेंगे, ऊपर वाला नहीं, ऊपर नहीं करना, ऊपर ऐसे ही रहने देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम करते हैं चेक, थोड़ा डालते हैं सीमेंट, मैं पहले ही ला कर रखा हुआ था, मैं सोच रहा था तब से कि मैं यार वाला रूम जो है ना तैयार करूंगा, थोड़ा सा डाला है, ये ग्लू है,
नहीं प्लास्टिक ऑफ पेरिस, क्या नाम है यार, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। अब फिलू की बारी, पूरी फिलू बारी है। दस्ती से निकलना भाई, के लिए पानी और चाहिए। चेक करें, दस्ती सूखने लग गया, इसको जल्दी जल्दी लगा दिया। ये तो भाई बहुत कम है, मेरे ख्याल से वो भी कम पड़ जाए। भाई जान चेक करो, थोड़ा बहुत तो कवर हो गया, इसके ऊपर मैं कर दूंगा ऐसे पेंट, कोई ना कोई टेक्निक तोड़ आएंगे। भाई जहां तक मुझे उम्मीद है ना, अब इसको वो नहीं आएगी, क्या कहते हैं, सेल नहीं आएगी यहाँ पे। वो देखे मैं काम कर रहा था, मैं कहती तेरे हाथ ना खराब हो, इसलिए तू ये ग्लव्स पहन के कर। ऐसा ऐसा आपको दिखाता हूँ कि क्या करूँ मैं। तो साथ साथ भाई भाई को जाके सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, आपके लिए भाई कर रहा हूँ मैं, और मुझे कोई शौक नहीं है। जब आप भाई सब्सक्राइब नहीं ना करते मेरा दिल टूट जाता, इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने को। बस यार भाई का दिल ना थोड़ा करो। चलो मिलते हैं, कॉल आ रही है। Few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह यार, चेक करें आप। ओए होए होए होए, सारा चेक करें मैंने कंप्लीट कर लिया। ये क्लोज करके दिखाऊं आपको, थोड़ा बहुत रह गया, ये देखिए सारा मैंने कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा क्लियर मैंने कर दिया। तो बस ये वाला हिस्सा रह गया, बाकी आपने पहले बिफोर देखा हो ना इसको, आफ्टर तो मैंने ये कर दिया, और साथ साथ मैंने सफाई वगैरह भी ये देखे सारी कर दी है, सारा शॉपर में डाल दिया जो गन था, क्योंकि प्लास्टिक पेरिस यार दस्ती जम जाता। सो गाइस यार, मेरी तबीयत भी नहीं थी सही, दो तीन दिन हो गए थे बुखार चढ़ा हुआ था, क्योंकि मौसम जो चेंज हो रहा था, फिर भी मैंने कहा नहीं यार अब करना है मैंने, अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं, क्योंकि आपके भाई ने आजकल नमाजें वगैरह स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह स्टार्ट नहीं की, लेकिन करूँ कोशिश यार, नमाज भी साथ साथ मैं कह रहा हूँ नमाज भी पढ़ा करूँ। फलस्तीन में यार जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा है ना, बहुत जुल्म हो रहा है, उनके लिए भी यार मैं दुआ करता हूँ, आप भी किया करें कि अल्लाह यार उन्हें हिफ्ज़ो ईमान में रखे, इसराइल को कर दे। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तब तक अबू आते हैं, अबू से पैसे लेके फिर ये वाला जो है ना कंप्लीट करेंगे। आज ही करना है भाई, आज ही खत्म, बाकी ये जो सामान वगैरह ये जो चीजें हैं इनको भी उठा के ऊपर मार दें कहीं ना कहीं। चलो आप चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या बना है, पहले नमाज पढ़ें। यार अभी मैं खाने लगा, खाना खाने में पालक और दाबू टिक्की, तो खा के मिलते हैं। अभी यार अबू की तरह टांगे दुबार हूँ, फिलहाल तो अभी मशीन से ही दुबार हाथ में मेरे खुद ही जा डर। मैं अबू की कभी कभी टांगे दुबाता हूँ आपको पता है, लेकिन आप अपने अबू की रोज दुबाया करें, हर रोज मसाजर के साथ हाथों, नहीं मैं मसाजर के साथ दुबाऊंगा, आप हाथों के साथ दुबाना, ठीक है। क्या बात करता है यार। So guys, यार अम्मी भी आ गई हैं, और अबू भी, अबू को भी दिखाते हैं और अम्मी को भी। अम्मा चेक करो, माय गॉड अम्मा मैंने डिजाइनिंग वगैरह की है ना। हाँ ये ऐसे ही मैंने ऊपर डिजाइनिंग, ऊपर पेंट होना ना वो गोल्डन कलर का, जब गोल्डन पेंट होना ना शाइन वाला, ये क्या पतला पतला, इसके ऊपर एक और दफा मैं ऐसा ऐसा करके ना हाँ आई, अभी ऐसा था ये देखो ना, अभी वो हो राम राम से, नहीं नहीं उसको हाँ उतार दो। पापा चेक करो, कमरा तैयार कर लेते हैं, के वैसे ही रखा हुआ है, ये बाकी नीचे उठा के रखते हैं। क्या करोगे यहाँ पे, वो वहाँ पे डेकोरेट करूंगा कोई, वहाँ टेबल रखना है, लैपटॉप वगैरह स्पीकर ये वो, और खाल भी पड़ी है उसकी बकरे की, वो क्या करना, वो वहाँ रखेंगे, सही है ना। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी यानी कि स्टार्ट ही किया ना, मैंने कहा चलो सही है। ओके ओके, मुन्ना सो गया। सो गाइस यार फाइनली चेक करें, सारा काम तो मैंने खत्म कर दिया, बस ये थोड़ा बहुत रह गया, और ऐसा ऐसा करके सारा मैं रूम सेट वगैरह करूंगा फाइनली। यार आज तो ये देखें जान तो छूट ही गई है इससे, जो पानी वगैरह आता था वो अब आया नहीं करेगा। मैं कहा यार अपना रूम तो अलग से बनवाया ना, आपको पता लगे भाई गेमिंग रूम बनवाना पड़ा।
अब इंशाल्लाह भाई मेरे पास फुल हैवी चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे कि मेरे पास भी मैं टेबल वगैरह ला बहुत कुछ लाना है। मेरे पास एक वो पड़े हैं हेडफोन्स काफी देर के पड़े हैं, अभी तक मैंने यूज ही नहीं किए। मैं कहा टेबल वगैरह वहां पे लगाएंगे टेबल नहीं, पहले इधर करना पेंट, इधर भी कोई मारेंगे एक्सुक्स तो फिर याद रखेंगे टेबल वगैरह स्पीकर हर चीज नियॉन लगा के तबाही कर देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता तैयार करेंगे क्योंकि इसको टाइम लग जाना, आराम आराम से करेंगे प्लानिंग के साथ। बाकी आप भी कमेंट में बताना मुझे कि क्या क्या करना चाहिए, और जब फुल तैयार हो जाएगा उसके भी अलग से आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है प्रॉपर। उम्मीद करता हूँ कि यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे करते हैं फिर ब्लॉग का एंड, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, ओके बाय।